नगर परिषद नाहन के वार्ड नंबर 2 में आधुनिक सुविधाओं से लैस करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पार्क स्थल का आज विभाग की टीम ने जायजा लिया। पार्क निर्माण में स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, कैफ्ट एरिया, ओपन जिम समेत मनोरंजन के सभी साधन जुटाए जाएंगे ताकि शहर में एक पार्क में सभी सुविधाएं लोगों को मिल सकें। वार्ड नंबर 2 के पार्षद विक्रम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद उनके वार्ड में नेशनल हाईवे 907A के ऊपर विरोजा फैक्ट्री के नज़दीक एक आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क निर्माण करने जा रही है। उन्होंने बताया कि यहां कैफेटेरिया, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल समेत कई मनोरंजन की सुविधाएं जुटाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस तरह का पार्क हिमाचल प्रदेश में 2 स्थानों पर बन रहा है, पहला नाहन में और दूसरा कुल्लू जिला में इस तरह का पार्क निर्माण किया जाएगा जिससे सभी सुविधाएं आधुनिक उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के पास पार्क निर्माण को लेकर 1,10,00,000 रुपए का बजट आ चुका है जिसके बाद नगर परिषद ने कार्य भी शुरू कर दिया है, जल्दी यहां पार्क निर्माण कर दिया जाएगा। नगर परिषद की अध्यक्षता श्यामा पुंडीर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज पार्क निर्माण को लेकर प्रस्तावित पार्क स्थल का नगर परिषद के अधिकारियों के साथ जायजा लिया गया है। उन्होंने बताया कि यहां 1 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क निर्माण होना है जिसमें विभिन्न सुविधाएँ जुटाई जाएंगी। आज अधिकारियों के साथ पार्क स्थल का दौरा करते हुए उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज हम वार्ड नंबर 2 में आए हैं। यहाँ पर एक पार्क बनना सुनिश्चित हुआ है जिसके लिए हमारे पास 1,10,00,000 का फंड भी आ चुका है। तो हम ये पार्क बनाने जा रहे हैं जिसमें हम एक छोटा सा लेक और स्विमिंग पूल, पार्किंग की सुविधा और बच्चों के लिए भी कुछ, बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहाँ छोटी छोटी एक्टिविटीज करने के लिए कुछ प्रावधान किया गया है। आज हमने यहाँ विभाग की टीम के साथ इस जहाँ पर पार्क बनना है आज हमने उस पार्क का जायजा लिया है। इसमें हमारे जेई साहब और पार्षद लोग भी शामिल हुए हैं। एक लाखों में नहीं, इसका बजट करोड़ों में जा रहा है। अभी लगभग हमारे पास 1,10,00,000 के आसपास हमारे पास इसकी सैंक्शन राशि जो है पड़ी हुई है। ये एक बड़े आधुनिक पार्क बनने जा रहा है वार्ड नंबर 2 के लिए और हमारे पूरे नाहन शहर के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज तक नाहन शहर में कभी इतनी बड़ी लागत से कोई पार्क का निर्माण नहीं किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार पहली बार है जो छोटे नाहन जैसे शहर में पार्क के लिए इतना पैसा जो है मुहैया करा रही है। ये डॉक्टर राजीव बिंदल जी के प्रयास हैं, हमारे को मिल रहा है। ये हिमाचल में इस तरह के 2 पार्क बन रहे हैं, एक नाहन में और एक कुल्लू में। ये जो पार्क है ये आने वाले समय में नाहन की शान बनेगा जैसा कि हम देखते रहते हैं। ये बहुत आधुनिक पार्क बनने वाला है। जैसा कि हमारे नाहन के बच्चों के पास स्विमिंग पूल के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं लेकिन उनके पास स्विमिंग सीखने का कोई ऑप्शन नहीं है। वो या रुखड़ी जाते हैं या जमटा जाते हैं, किसी किसी रिजॉर्ट्स में जाते हैं। तो हम इसमें एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्विमिंग पूल बनाएंगे जिसमें बच्चे हमारे स्विमिंग की शिक्षा दीक्षा ले सके, उनको उसके बारे में पता चल सके और हम इसमें कुछ कंपटीशन भी करवाएंगे। ऐसे ही हम इसमें एक बैडमिंटन कोर्ट बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही हमारी कुछ इसमें स्केटिंग कोर्ट बनाने की कुछ हमारी परिकल्पना है और हमारे प्रयास रहेंगे इसके बारे में। साथ ही हम एक बच्चों का छोटा प्ले स्टेशन बना रहे हैं जो कि बच्चों के लिए, अगर देखा जाए तो पूरे नाहन शहर में कोई ऐसी विशेष कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जहां पे वो अपना समय व्यतीत कर सके या छुट्टी वाले दिन कुछ आनंद कर सके। तो एक बच्चों का हम प्ले जोन यहां पे बनाने वाले हैं। साथ ही इसमें कैफेटेरिया बनाने वाले हैं। रमण के लिए हम इसमें एक लेक बनाने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ गाड़ियों की पार्किंग का भी यहां पे प्रावधान है। और इस तरह से नाहन हमारे आसपास के लगते हुए एक पूरे क्षेत्र में ये एक ऐतिहासिक पार्क रहेगा, ऐसा कि हमारी परिकल्पना है, कोशिश है। तो नाहन नगर पालिका माननीय अध्यक्षा श्यामा जी की अध्यक्षी में, अनुगामी में ये काम हम धीरे धीरे इसको सिर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए।